आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज तो आ गया नेक्स्ट पार्ट जैसे कि आप लोगों को पता है रेगुलरली इस चैनल पे वीडियो आ रही है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल स्किल एंड क्लिनिकल बेस्ड विद वन लाइनर क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ सो so, जो भी बच्चा इस चैनल पर न्यू है फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट कि मेरा चैनल इतना अच्छा से चल रहा है आप लोगों के वजह से विद इन वन ईयर हमने काफ़ी अच्छा ग्रो किया और मेरी बहुत बड़ी फैमिली हो चुकी है सो थैंक यू सो मच एंड आने वाली जो भी वैकेंसीज है उसकी आपको अपडेट मिलती रहेगी डी एच एस पंजाब आ रही है डी आर एम ई बी एफ एच एस की बंपर वैकेंसी आ रही है जी एम सी एच की वैकेंसी आ रही है जल्दी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो और सी एच ओ पंजाब की तो आपको पता ही है कि जो वैकेंसी है आ रही है मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर का पेपर जो है फोर्टीन को होने वाला है सो so, उसके लिए जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम सो कल हमने वन सिक्सटी एट क्वेश्चन कर लिए थे आज हम अगले क्वेश्चन करेंगे उससे पहले अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो देखो देर मत करो हाई टाइम है आप लोगों के लिए क्योंकि डी पंजाब की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आ रही है डी पंजाब के लिए ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है ट्रिपल नाइन का जिसमें आपको एम सी क्यूज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हंड्रेड प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज भी इसी में ही अपना कर सकते हो रेगुलरली प्लस आपको नोट्स दिए जाएंगे एंड आपको मेरी पूरी असिस्टेंट विद मेरे प्रॉपर एमसीक्यूज के साथ आप बहुत अच्छे से इस पेपर को जो है कर सकते हो डी पंजाब का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया अगर कोई भी अगर अलग से बैच लेना चाहते हो अकेला एमसी क्यू आप ले सकते हो सेवन डबल नाइन में इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एम सी क्यू का ले सकते हो वन फोर डबल नाइन में एंड फुल थ्यूरी बैच है जिसमें आपको एम सी क्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक सब मिलेगा टू फोर डबल नाइन में सो so, बैचेज हैं आपके सामने आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हो सो so, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं सो सो क्वेश्चन है हमारा देखिए कि इन एडिशन टू टीचिंग एजर्टिवनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड हेल्पिंग द क्लाइंट कोप इफेक्टिवली विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी द नर्स शुड ऑल्सो एड्रेस द क्लाइंट एबिलिटी टू सो देखो अगर आप किसी को टीचिंग दे रहे हो कि वो अपनी स्ट्रेस और एंगजाइटी से कैसे कोप कर सकता है और उसे आप हेल्प कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखा रहे हो तो आप उसकी कौन सी एबिलिटी को एड्रेस करोगे उसका एंगर सुप्रेस करने की बैलेंस ऑफ चेक बुक फॉलो स्टेप बाई स्टेप डायरेक्शन या फिर यूज कॉमन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टेजोलेशन स्किल्स एंजाइटी और स्ट्रेस होता कब है तभी होता है जब आप बहुत लंबे समय तक किसी चीज को दबाए रखते हो स्ट्रेस लेते हो टेंशन लेते हो तभी होता है ना तो आप सुप्रेस तो करोगे नहीं एंगर उसका ठीक है क्योंकि उसका एंगर निकल जाएगा अगर उसकी फीलिंग्स अवेक बाहर आ जाएंगी तो ऑब्वियसली वो अपना जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है उसको कोप अप कर पाएगा ठीक है उसके बाद चेकबुक देखो बैलेंस ऑफ चेक बुक डॉक्यूमेंट्स में आता है तो आपको ये नहीं करना है फॉलो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस अगर आप उसे बार बार स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस करवाते रहोगे लाइफ लॉन्ग वो ऐसे ही आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा उससे खुद से कैसे एंग्जाइटी और एंगजाइटी और स्ट्रेस को कोप अप करना उसे नहीं समझ आएगा सो so, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसे एक स्किल सिखाओ जिससे वो अपने आने वाली लाइफ में जो भी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है उससे रिलीव कर पाए तो आप एक रिजोल्यूशन स्किल्स उसे यूज करवाओगे ताकि वो अपनी कंफ्यूजन को ठीक कर पाए सो ऑप्शन फोर जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इन प्रिवेंटिंग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लीकेशन तो अगर किसी का पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आपको कम करनी है प्रिवेंट करनी है तो so कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो आप अच्छे यूज करोगे जिससे उसे ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लीशन होती है वो नहीं होंगी प्रोग्रेसिव डाइट प्लानिंग पेन मैनेजमेंट बावल मॉनिटरिंग अर्ली एम्बुलेशन सो आजकल तो आपने देखा है कि जब भी किसी का ऑपरेशन होता है इवन की सेक्शन होता है जो भी आजकल होती है जितना भी होता है उसके बाद पेशेंट को एक या दो एक ऑपरेशन के अगले दिन ही शाम को चलाने फिराने स्टार्ट कर देते हैं एम्बुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं इससे क्या होता है पेशेंट का सबसे पहले तो डीवीटी का रिस्क डी वेन थ्रो

Uh, के बाद कहाँ पे वार्ड में तो कौन सी ऐसी रेस्पिरेटरी असेसमेंट है जो कि नर्स सबसे पहले असेस करेगी रेस्पिरेटरी असेसमेंट सबसे पहले असेस करनी है कंप्लीट करनी है फर्स्ट कंप्लीट करेगी सर्जरी के बाद वार्ड में आया ऑक्सीजन सेचुरेशन रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रेथ, ब्रेथ साउंड आएगा यहाँ पे ठीक कर लेना एंड एयरवे फ्लो सो ऑब्वियसली सबसे पहले तो पेशेंट का एयरवे फ्लो आप ठीक करोगे कंप्लीट करोगे देखो अगर आपने उसको कहीं सफोगेटेड uh, रूम में बिठा दिया या फिर जहाँ पे वेंटिलेशन ठीक नहीं हो रही वहाँ पे बिठा दिया लिटा दिया या फिर आपने उसके आस पास इन्फेक्शन है उसका जो एयर फ्लो है वो रुका हुआ है ऑब्स्ट्रक्टेड है ऐसी जगह पर बिठा दिया तो उसकी अगर आप ऑक्सीजन सेचुरेशन लोगे रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे ब्रेथ साउंड लोगे तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगी ठीक है सो so आपको सबसे पहले हमेशा पेशेंट का एयरवे जो है प्रॉपरली देखना होता है कि वो खुला पड़ा है वेंटिलेटर है पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही सो एयरवे फ्लो सबसे पहले आप कंप्लीट करोगे नेक्स्ट सेवन प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज अ फिफ्टीन इयर्स ओल्ड प्राइमरी पैरा हु इज बॉटल फीडिंग हर न्यूनेट द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू प्रोब द बॉटल व्हाइल फीडिंग द न्यूनेट बिकॉज़ दिस कैन लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सो so, पंद्रह साल की है सो so ये पंद्रह सोलह सत्रह साल का इसलिए थोड़ा सा आपके दिमाग दिमाग को कंफ्यूजन में डालने के लिए एग्जामिनर डाल देता है इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है आप लोगों को तो पंद्रह साल की न्यूली अभी प्रेग्नेंट वुमेन है ठीक है और वो बॉटल फीड कर रही है अपने न्यूनेट को ठीक है और आ, क्या कह रहे हैं कि आ, जो इन नर्स है इंस्ट्रक्ट करती है कि जो ये बॉटल होती है इसके ऊपर ऐसा सिपर बना होता है उसके ऊपर वो प्रॉप कर रही है और ज्यादा मतलब और ज़्यादा छेद कर रही है तो वो नर्स कह रही है कि ये सब आप मत करो बिकॉज इससे क्या हो सकता है सो so, ऑप्शन देखो आपके पास क्या है ओवर फीडिंग अबेस्टी एस्पिरेशन ऑफ द फॉर्मूला टू डिके इन द फॉर्मेटिव मंथस या फिर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सो so ऑब्वियसली अगर वो एक प्रॉप से ज्यादा प्रॉप करेगी तो वहां से ज्यादा मिल्क जो है वो बाहर निकलेगा ठीक है अगर ज्यादा मिल्क बाहर निकलेगा तो पेशेंट जो बच्चा है न्यूनेट उसका माउ तो छोटा है उसको उस फॉर्मूले की एस्पिरेशन हो सकती है ठीक है ना कि तो वो बच्चा उस दूध को एस्पिरेट कर सकता है सो तो आपको ये बताना है कि ज्यादा फ्लो आएगा दूध का ज्यादा दूध बॉटल से निकलेगा तो पेशेंट को सॉरी न्यूनेट को एस्पिरेशन हो सकती है ठीक है चलो नेक्स्ट पे चलते हैं while caring for primary para diagnosed with deep vein thrombosis at 48 hour postpartum who is receiving treatment with the bed rest and iv heparin in the therapy the nurse should contact the client physician immediately if the client exhibit which of the following तो प्राइमरी पैरा मदर है अभी अभी उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपने डायग्नोस किया है 48 एट आवर्स ही हुए अभी डिलीवरी किए और उसको बेड रेस्ट और चल रही है आपको पता है डीवीटी में चलती है तो नर्स जो है कौन सा साइन क्लाइंट का देख के फटाफट से फिजिशियन को जो है कॉन्टेक्ट करेगी पेन इन हर काफ इनहर इंटर डिसिप्लिन या फिर ब्रेडिकार्डिया सॉरी डीवी क्या होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक वेन में क्लॉट बन गया जो कि थ्रोम्बस है एक जगह पे स्टेग्नेटेड है इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है एम्बुलस ये मूव करके कहा चल गया हमारे पल्मनरी रीजन में ठीक है तो ऑब्वियसली अगर पल्मनरी रीजन में जाएगा तो पेशेंट को क्या होगा डिफिकल्टी इन कॉल्ड इनविंग अगर ये पलमनरी रीजन में चल गया तो पेशेंट को ऑब्वियसली कॉम्प्लीकेशन जराइज हो जाएंगी ठीक है तो आपको फिजिशियन को फटाफट फट जाके बताना पड़ेगा इसके बारे में चलो नेक्स्ट देखते हैं सो so, देखो अपना थ्योरी कंप्लीट रखो कॉम्प्लिकेशन पता होनी चाहिए आपको साइन एंड सिम्टम्स पता पता होने चाहिए पता होने चाहिए हर एक चीज के बारे में पता होना सो so, अगर आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम है आपका नंबर आपको बता रखा है ऑलरेडी मैं हर एक जगह पे लिखती हूँ ठीक है अगर आपको नहीं भी तो ये रही हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस पे मैं खुद से आपको स्टडी करवा रही हूँ और डी पंजाब का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया ओनली इन ट्रिपल नाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हो ओके okay? चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं the parent report that one day old is drooling and having choking episode and excessive amount of mucus and color change especially during feeding when contacting the physician about the symptoms the nurse should request सो so, एक पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे एक एक दिन का ही उनका बच्चा है कि उसके बच्चा जब भी बॉटल फीड जब भी दूध पीता है तो उसको ना बहुत ज़्यादा एक तो ड्रूलिंग होती है ड्रूलिंग होती है कि माउथ के अराउंड ना दूध निकल रहा है विद बबल्स ठीक है दूसरा उसको चोकिंग एपिसोड आ रहा है बार बार ऐसा लगता है कि उसको कुछ चोक कर रहा है चोक मतलब उसके गले में बार बार अड़ रहा है कुछ तो जब वो डॉक्टर से बताते हैं तो नर्स उन्हें डॉक्टर से इस सिम्टम्स के बारे में बताते हैं तो नर्स उन्हें क्या रिक्वेस्ट करेगी कि एक रेफरल दे दे वो लैक्टेशन कंसल्टेंट का दैट द फिजिशियन फर्दर असेस द क्लाइंट द ऑर्डर फॉर एन एक्सरे विद एन ओरोस्ट्रिक गैथर प्लेसमेंट सीरम ब्लड लेवल पर लेबॉर्टरी सो देखो सबसे पहले तो अब ये सिम्टम्स देख के आपको पता हो जाना चाहिए कि ये कौन सी डिसीज कंडीशन है यहाँ पे आपसे उसने डिसीज कंडीशन का पूछ लिया इनडायरेक्टली सो so, आपने कभी सुना होगा टीई एफ ट्रेक्यो ईसो फेजियल ये आपका ट्रेकिया है ठीक है ये आपका ईसोफेगस है इसके बीच में ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है इसको बोलते हैं फिस्चुला ठीक है इसको बोलते हैं ट्रेक्यूसो फिस्टुला तो अब ये पेशेंट की और इसका मेन सिम्टम यही होता है ड्रूलिंग अराउंड द माउथ ठीक है ड्रूलिंग अराउंड द माउथ मोस्टली इस डिसीज कंडीशन में देखा जाता है सो आप पेशेंट को क्या कहोगे ऑब्वियसली उसके उसके पेरेंट्स को कि आप एक्सरे कराइए एक्सरे से हमें पता चल जाएगा कि जो है आपके बच्चे का ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा सो हम उन्हें कहेंगे कि आप एक्सरे के लिए ऑर्डर दे देंगे इससे एक्सरे में ऑब्वियसली पता चल जाएगा नॉर्मल कनेक्शन का ठीक है ड्रुलिंग क्यों होंगी क्योंकि जो जो वो खाएगा इसो फेगस से वो ट्रेकिया में भी जाएगा और उसके माउथ के अराउंड ड्रूल करता हुआ दिखेगा ठीक है बबल्स मतलब आ रहे हैं मतलब एयर भी आ रही है सो देर इज अ चांसेस चांसिस फिस्टूला बना हो दोनों के बीच में सो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स को

आप देखो ऑब्वियसली अगर यूरिन निकलेगा तो देयर इज अ चांसेस कि यूरिन जब भी निकलेगा तो रेक्टम से वहाँ पे मेकोनियम आ जाए तो हम क्यों चेक करते हैं फॉर द मेकोनियम नॉट फॉर ब्लड फॉर बाइल एंड एसिटोन इन सब चीज़ों का को कोई लेना देना नहीं है इन परफोरेट एनस में हमेशा देखा गया है कि रिथ्रा और एनस के बीच में रेक्टम के बीच में एक फिस्टूला बन जाता है अब नॉर्मल कनेक्शन बन जाता है और अगर आप बच्चे का यूरिन चेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि उसमें कहीं मेकोनियम प्रेजेंट तो नहीं है सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गए हूँ ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और मैंने कल जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हॉस्पिटलाइज uh, क्लाइंट है मेजर डाइग मेजर डिप्रेशन है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का क्लाइंट है तो कौन सी चीज़ आप उससे सबसे पहले पूछोगे सो इट्स ऑब्वियस कि आप उससे सुसाइडल थॉट्स के बारे में पूछोगे क्योंकि अगर पेशेंट के मन में आएगा थॉट्स आएंगे उसके दिमाग में तभी वो किसी चीज़ का प्लान करेगा ठीक है सो दिस इज सुसाइडल थॉट्स जिनका आंसर सही था उनका बिल्कुल राइट right है सो गुड यू आर गोइंग गुड एंड अगर आप अभी भी जुड़ना चाहते हो टाइम वेस्ट ना करते हो आप कोई भी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मैं खुद आपको स्टडी करवाती हूँ डी पंजाब के लिए ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है इसमें वेट मत करो अगर आपको पेपर क्रैक करना है ठीक है और जो बाकी हमारे पेपर्स के लिए ई एस आई सी डी बाकी सॉरी डी के लिए जो भी हमारे बैचेस चल रहे हैं वो कुछ इस तरह से है एम सी क्यू बच है सेवन डबल नाइन का वन फोर डबल नाइन का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एम सी क्यू बच है और टू फोर डबल नाइन का फुल थ्यूरी जिसमें आपको एम सी क्यू प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे सो आप कोई भी बैच इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड मिलती हूँ कल की वीडियो में थैंक यू